एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरी रहती हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान रेप और हत्या होने का आरोप लगाया था। कंगना के इस बयान के बाद बवाल खड़ा हो गया। एक के बाद एक नेता इस पर टिप्पणी करने से नहीं चूके, लेकिन अब पंजाब के पूर्व सांसद और शिरोमणि अकाली दल के नेता सिमरनजीत सिंह मान ने कंगना पर पलटवार करने के चक्कर में ऐसा बयान दे डाला है जिससे वो खुद बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दरअसल कंगना के बयान को लेकर अकाली नेता सिमरनजीत सिंह मान से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन रनौत साहब को तो रेप का बहुत तजुर्बा है। उनसे पूछा जा सकता है कि कैसे होता है रेप, ताकि लोगों को समझाया जा सके कि रेप कैसे होता है। उन्हें इसका बहुत अनुभव है। जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने का तजुर्बा होता है, तो उनको रेप का तजुर्बा है। कि कंगना रनौत, क्योंकि वो मुद्दा बहुत काफी आगे बढ़ गया है, उस पर आपकी राय सर? उसकी राय है कि उसको रेप का बहुत एक्सपीरियंस है, वो जानते हैं कैसे रेप होता है, कैसे रोकना है, तो ये जवाब उनसे लीजिए। कंगना रनौत का पलटवार। सिमरनजीत सिंह मान की एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ की गई इस विवादित टिप्पणी को लेकर जमकर आलोचना हो रही है। वहीं इस बात पर अब कंगना रनौत का बयान भी सामने आया है। कंगना ने कहा है कि ऐसा लगता है कि ये देश रेप को महत्वहीन बनाना कभी बंद नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आज मुझे रेप की धमकियां भी आ रही हैं, कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, इस तरह से मेरी आवाज को नहीं दबा पाएंगे। तो इस तरह से वो मेरी आवाज नहीं दबा सकते हैं। अगर इस तरह से आर्टिस्ट की जो है वो आवाज को दबाया जाएगा और एक फिल्म को, मेरी क्रिएटिव लिबर्टी को, क्योंकि कुछ लोगों ने बंदूकें तान दी हैं, हमारे माथे पे रख दी है, तो बंदूकों से तो हम डरने वाले हैं नहीं। और आज मुझे रेप थ्रेट्स भी आ रहे हैं कि कंगना को पता है कि रेप क्या होता है, तो वो मुझे एक तरह से रेप की भी धमकियां दे रहे हैं, तो इस तरह से वो मेरी आवाज़ नहीं दबा सकते हैं। वहीं कंगना ने अपने एक्स अकाउंट पर भी इसका जवाब दिया है। कंगना ने लिखा, ऐसा लगता है कि ये देश रेप को महत्वहीन बनाना कभी बंद नहीं करेगा। आज इस वरिष्ठ नेता ने रेप की तुलना साइकिल चलाने से कर दी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मजे के लिए महिलाओं के खिलाफ रेप और हिंसा इस पितृसत्तात्मक राष्ट्र की मानसिकता में इतनी गहरी जड़ें समा चुका है कि इसका इस्तेमाल महिलाओं को चिढ़ाने या उनका मजाक उड़ाने के लिए किया जाता है, भले ही वह एक हाई प्रोफाइल फिल्म निर्माता या राजनेता क्यों ही न हो। बता दें कि संगरूर लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद सिमरनजीत सिंह मान इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार के विरोध में आईपीएस की नौकरी छोड़ने के बाद सुर्खियों में आए थे। नौकरी छोड़ने के बाद सिमरनजीत सिंह मान ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल अमृतसर पार्टी बनाई। सिमरनजीत सिंह मान तरन तारण से दो बार सांसद रह चुके हैं, लेकिन अब सिमरनजीत सिंह मान अपने इस बयान को लेकर मुश्किल में फंस सकते हैं।